हमेशा विवादों में रहे नावसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर विवाद के घेरे में आ गया है। किसान नेता अरविंद राठी ने चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नावसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नावसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो उन्हें चिकित्सक न होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। वह चिकित्सा अधिकारी अचिंतन गर्ग ने बताया कि उच्च अधिकारियों को अवगत किया जाएगा और लापरवाह चिकित्सकों पर कार्यवाही की जाएगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हमारा जो हॉस्पिटल है, इसमें हमारे क्षेत्र के किसानों ने जमीन दी और इतना बड़ा हॉस्पिटल हरिद्वार जिले में कोई है नहीं, और इतनी बिल्डिंग होने के बाद इतने डॉक्टर की तैनाती, यहाँ कम 10-15 डॉक्टर हैं, पूरा स्टाफ, यहाँ टाइम पर कोई रहता नहीं, कोई रुड़ गया, कोई कहीं रहा है, मकान यहाँ खाली पड़े हैं। अगर मरीज आ जा तो जो यहाँ जो कर्मचारी हैं छोटे और पीआरडी हैं, मैंने धमके पमके आएगा भगा दें, क्योंकि यहाँ अगर आवेंगे तो फिर यहाँ आना पड़ेगा, तो ये उन पर डॉक्टर पर पैसे लेगा पीआरडी वाले ही, उन्हें किधर भेज दें। अब ये देखो पहले कितने ओपीडी होते हैं यहाँ, कितने बच्चे होते, अब कितने बच्चे हो रहे, ना कोई डॉक्टर नहीं ढंग से रहती। आप ही उठाए देखो कि यहाँ कितनी डिलीवरी हो रही है, यहाँ वो सिर्फ नाम फर्जीवाड़ा रह गया, 2 बजे लग खोलेंगे, उसके बाद यहाँ बंद बिल्कुल, जो आ गया सो भेज दें तो यहाँ कुछ नहीं है। अभी हमारे ने कोई आश्वासन नहीं दिया, इन्हें कहा कि हम आगे भेजेंगे, जो भी होगा कार्रवाई होगी उच्च अधिकारी करेंगे। बस सिर्फ ये था कि आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ इन लोगों को बस इंस्ट्रक्शन देंगी, वो मैं दे रही हूँ। आपने मुझे लेटर दिया, मैंने रिसीव किया, मैं अपने उच्च अधिकारियों को बताऊंगी सारी स्थिति। ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया, मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों को बताऊंगी, उनसे इंस्ट्रक्शन लूंगी।